मैडम यू विल आल्सो गेट 2 मिनट्स। हम जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नजर में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बेहतरीन माहिर माशियात थे। और मैंने इस बात को पहले भी अवाम में दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अंबेडकर थे। मैडम इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, और अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क बन जाता। तो यकीनन खराज अकीदत पेश करना पड़ेगा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को भी। तीसरी बात यह है मैडम कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के वजारत उज़्मा के ओहदे पर बड़े लोगों ने उसको मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूं कि 3000 साल की मसायब और मुश्किलात और जुल्म के खात्मे और उसके पैगाम देने के लिए बेहद जरूरी है कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने। इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा। पांचवी बात यह मैडम कि आज हमारी जमहूरियत, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को फैसला किया कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ 6% मुस्लिम अकलियत के नुमाइंदे जीत के आते हैं। बताइए ये कहां तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान पार्लियामानी जमहूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएगा। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा मैडम तो वो दिन दूर नहीं है कि जब यह ऐवान सिर्फ अक्सर तबके का होकर रह जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अकलियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 को दिया मैडम। 29 और 30 के तहत अकलियतों की जबान, उनके कल्चर और उनके तालीम इदारों की हिफाजत होती है। मैं यहां पर आपकी इजाजत से, बाबा साहब अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या कहा था? कहा था कि डू डाई हार्ड हु हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ फेनेटिज्म अगेंस्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, आई वुड लाइक टू से 2 थिंग्स। वन इज माइनॉरिटीज आर एन एक्सप्लोजिव फोर्स विच इफ इट इरप्ट्स कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। द हिस्ट्री ऑफ यूरोप बेयर्स एम्पल एंड अपॉलिंग टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट। माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया हैव अग्रीड टू प्लेस देयर कॉन्फिडेंस इन द हैंड्स ऑफ मेजोरिटी। ही सेड इट इज फॉर द मेजोरिटी टू रियलाइज द ड्यूटी नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट अगेंस्ट माइनॉरिटी। दिस इज द गोल्डन वर्ड सेड बाय बाबा साहब अंबेडकर। व्हाई आर मुस्लिम्स बीइंग डिनाइड द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16? मैडम द प्राइम मिनिस्टर हैव टेकन ओथ, द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही टुक 26 मई वॉज आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। बट आई हैव सीन द प्राइम मिनिस्टर ओपनली सेइंग दैट ही विल सैक्रिफाइस हिज लाइफ इफ रिजर्वेशन इज टेकन अवे फ्रॉम ओबीसीज, ईबीसी, दलित। इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट फॉर द मुस्लिम्स? Is the Prime Minister not for Muslims? How can the Prime Minister violate his own oath of law? How can the Prime Minister deny the benefits of Article 15 and 16? Madam, when it comes to Article 44, okay, let me quote. Madam, please, madam, please. 2 minutes. Let me quote what the Baba Saheb Ambedkar's article on Article 44, yes, on 2nd of December. Ambedkar quoted, "We must remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject. One can appreciate the feelings very well. The sovereignty is always limited. No matter even if we assert it is unlimited, because sovereignty in the exercise of power must reconcile itself to the sentiment of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion." This is what Ambedkar said on 2nd of December. You talk about UCC. I challenge you. Can you take out Article 371 and 371G? Can you impose uniform civil code in Kashmir? No, you cannot. People who talk about benefit of Muslim women, let me remind you, what about Article 21, right to life? What about my life, which was taken away in emergency time, which was taken away in 92 December, which was taken in the streets of Delhi in 84, which was taken away in the streets of Ahmedabad? Where did right to life go? Right to life have been abused. We talk about paying homage to Ambedkar, madam, but the communal rights in India, yes, are an example of violation of Article 21. Yes. Madam, I am concluding. Right to life is a fundamental right. Article 48 is not a fundamental right. Madam, may I also point out, lastly, madam, may I also point out what the Honorable Home Minister now said. Madam, concluding, the Honorable Home Minister talked about secularism. I want to know from him, Madam Speaker, are the statements given by his own ministers that if you want to eat beef, go to Pakistan? Yes. Does he believe in yogic farming? Does he believe that Quran and Bible are not the soul of this country? Does he believe what the Haryana CM has said? Madam, what is secularism?
What is secularism? Let them define. Madam, allow me to conclude by saying secularism is the basic structure of constitution as said by Bommai. I want to know from the Honorable Home Minister, organizer of 30th November said, this constitution should be burned. This constitution should be burned. I want to know from him whether the Prime Minister also said 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तदार मिला. मैडम ये 1200 साल की गुलामी कहाँ है? अब पटेल, सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था? 51 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी. मैडम कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता. ये बात आज जो कर रहे हैं होम मिनिस्टर का मंच और मकसद ये है कि प्रियामल को तोड़ा जाए और वहां पर हिंदू राष्ट्रवादी कोशिश कर रहे हैं.